देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 देख रहे हैं आप। और आज की जो चर्चा है वो चर्चा है आतंक और आतंकवादियों के खात्मे से जुड़ी हुई खबरों को लेकर के। जो आतंकी जिन आतंकियों का आतंक हिंदुस्तान में एक तरह से कहर बरपा रहा था और उससे हिंदुस्तान को भी खतरा था, हिंदुस्तान के समीपवर्ती कई देशों को भी खतरा था, लेकिन हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि पाकिस्तान, जिस पर ये आरोप लगातार लगता रहा है कि वो आतंकवादी गतिविधियों को भारत में बढ़ाए जाने के लिए वो कुरामीन देता है, एनर्जी देता है और उनके लिए साजो सामान, हथियार से लेकर के पैसे तक मुहैया कराता है आतंकवादी संगठनों को। लेकिन आज पाकिस्तान में ही ये तमाम आतंकवादी मारे जा रहे हैं एक एक करके। जी, हम बात कर रहे हैं हजला अदनान की, जो लश्कर तैयबा के चीफ हाफिज सईद का काफ़ी करीबी था और भारत के लिए काफ़ी नासूर था। क्या कुछ हो रहा है पाकिस्तान के अंदर आतंकवादियों को लेकर के और क्या कुछ चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, कैसे हुई हत्या हजला अदनान की, उस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अजीज बर्नी साहब, ग्रुप एडिटर हमारे, लेकिन पहले दिखाते हैं एक रिपोर्ट। भारत के एक और दुश्मन हंजला अदनान की पाकिस्तान में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। कराची में हंजला अदनान को अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मार दी। वो लश्कर हफीज सईद का करीबी मददगार था और उधमपुर बीएसएफ कॉन्वॉय हमले का भी मास्टरमाइंड था। हंजला अदनान भारत के लिए मोस्ट वांटेड आतंकी था। ये मामला 2 और 3 दिसंबर की दरमियानी रात का। जानकारी के अनुसार पाकिस्तान मिली मुस्लिम लीग के एक सदस्य ने उत्तरी नजीमाबाद इलाके में ये फायरिंग की, जिसमें हंजला अदनान की मौत हो गई। बता दें, पाकिस्तान में भारत के एक और मोस्ट वांटेड आतंकी की हत्या कर दी गई। लश्करे तैयबा के एक प्रमुख आतंकवादी अदनान अहमद उर्फ हंजला अदनान को कराची में अज्ञात हमलावरों ने ढेर कर दिया। हंजला 2016 में पंपोर में सीआरपीएफ काफिले पर हमले मास्टरमाइंड था। इस हमले में 8 जवान शहीद हुए थे जबकि 22 जवान जख्मी हुए थे। उधमपुर और पंपोर हमले के दौरान फोन पर निर्देश दे रहा था हंजला। हंजला 2016 में पंपोर में सीआरपीएफ काफिले पर हमले मास्टरमाइंड था। इस हमले में 8 जवान शहीद हुए थे जबकि 22 जवान जख्मी हुए थे। इतना ही नहीं, हंजला ने साल 2015 में जम्मू के उधमपुर में बीएसएफ काफिले पर हमला करवाया था। इस हमले में 2 बीएसएफ के जवान शहीद हुए थे जबकि 13 बीएसएफ के जवान जख्मी हुए थे। इस हमले की जांच एनआईए ने की थी और 6 अगस्त 2015 को चार्जशीट दाखिल की थी। इन दोनों हमलों में हंजला पाकिस्तान में बैठकर आतंकियों को निर्देश दे रहा था। पुलवामा इलाके में हुए फिदायीन हमले में भी निभाई थी बड़ी भूमिका। हंजला ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर और पुलवामा इलाके में हुए फिदायीन हमले को अंजाम दिलवाने में बड़ी भूमिका। हंजला को पीओके के लश्कर कैंप के नए भर्ती हुए आतंकियों को बदलाने के लिए भेजा जा रहा। खासकर उन आतंकियों के बीच आईएसएफ और पाकिस्तानी आर्मी हंजला को जरूर भेजती थी जो भारत में घुसपैठ कर आतंकी हमले को अंजाम देने वाले थे। हंजला की मौत हाफिज सईद के लिए बड़ा झटका। बता दें, हंजला की मौत को हाफिज सईद के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। हंजला लश्कर चीफ हाफिज सईद का काफी करीबी था। अदनान की हत्या कड़ी सुरक्षा के बीच की गई। बताया जा रहा है कि अदनान अहमद को उसके सेफ हाउस के बाहर गोली मारी गई। गोली लगने पर उसे गुपचुप तरीके से कराची के अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके बाद 5 दिसंबर को उसकी मौत हो गई। हंजला ने हाल ही में अपना ऑपरेशन बेस रावलपिंडी में कराची में शिफ्ट किया था। इससे पहले मुफ्ती कैसर फारूक, खालिस्तानी आतंकी परमजीत सिंह पंचवर, एजाज अहमद अहंगर, बशीर अहमद पीर जैसे तमाम आतंकियों को भी अज्ञात हमलावरों ने मार गिराया था। इतना ही नहीं, हाल ही में मोस्ट वांटेड आतंकी शब्बीर लतीफ की हत्या कर दी गई थी। ये पहला मौका नहीं है जो पाकिस्तान में इस तरह के आतंकियों को निशाना बनाया गया। इससे पहले मुफ्ती कैसर फारूक, खालिस्तानी आतंकी परमजीत सिंह पंचवर, एजाज अहमद अहंगर, बशीर अहमद पीर जैसे तमाम आतंकियों को भी अज्ञात हमलावरों ने मार गिराया था। इतना ही नहीं, हाल ही में मोस्ट वांटेड आतंकी शहीद लतीफ की हत्या कर दी गई थी। अज्ञात हमलावरों ने लतीफ की रियाल कोर्ट में गोली मारकर हत्या कर दी।
वहीं 2016 में पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन पर हुई हमले का मास्टरमाइंड है। वो स्टेशन पर हमला करने वाले 4 आतंकियों को पाकिस्तान से बैठकर निर्देश दे रहा था। बता दें अब धीरे धीरे पाकिस्तान में छिपे सारे आतंकियों का खेल खत्म हो रहा है। तो आपने देखा कि किस तरह से आतंक की कहानी घड़ता जा रहा था हजला अदनान, और अंत भी किस तरह से हुआ। क्योंकि आप अगर किसी के रास्ते में कांटा बोएंगे तो कांटा ही मिलना है रिटर्न में, उसमें फूल फिर वापस नहीं आता। पाकिस्तान ने भी शायद कमोबेश ऐसा ही किया, संरक्षण उसको आतंकवादियों को पनाह देने का, उनको बढ़ाने का और उनकी गतिविधियों में हर तरह से सहयोग करने का आरोप लगातार लगता रहा है। लेकिन हाल के दिनों में क्या कुछ ऐसा हुआ, पाकिस्तान से आतंकी संगठनों के रिश्ते खराब हुए, या जो रसद पानी पाकिस्तान के द्वारा मुहैया कराया जा रहा था वो मिलना बंद हो गया, और कई संगठन लश्कर-ए-तैयबा जैसे मोहम्मद जैसे कई संगठन जो है आतंकी संगठन वहाँ इस रास्ते पर, कई आतंकी मारे गए इधर हाल की घटनाओं में। अभी आपने देखा कि हजला अदनान की जो हत्या हुई है वो उसके एकदम सेफ हाउस जो उसका और तमाम सुरक्षा व्यवस्था के बीच गोली मारी गई, घायल हुआ और अस्पताल जाकर के उसकी मौत हो जाती है। हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं, क्योंकि एक घटना मात्र है लेकिन चर्चा होगी पूरे उस आतंकवाद की, उस पूरी कहानी पर, क्योंकि हजला अदनान कोई साधारण आदमी आतंकी नहीं था। 2015 में उधमपुर में, जम्मू के पास उधमपुर में जो बीएसएफ के टुकड़े पर हमला हुआ था उसमें कई शहीद हुए थे हमारे जवान और कई घायल हुए थे। 2016 में पंपोर में इसका मास्टरमाइंड था पंपोर वाली घटना का, सीआरपीएफ के टुकड़े पर हमला कराया गया था और 8 जवान उसमें शहीद हुए थे और दर्जन भर से ज़्यादा घायल हुए थे। तो ये घटनाएं केवल हजला अदनान मास्टरमाइंड था, लेकिन उसके पीछे की पूरी कहानी क्या थी, किस तरह से आतंकवाद की जड़ें जम्मू कश्मीर सहित पूरे भारत में, आपने देखा होगा कि कई अलग अलग शहरों में सीरियल ब्लास्ट की कहानी की घटनाएं होती रहीं और ये तमाम चीज़ें चलती रहीं, और हर घटना के पीछे पाकिस्तान का नाम परोक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से अपरोक्ष रूप से लिया जाता रहा। हम आएंगे सर आपके पास, हमारे ग्रुप एडिटर राजीव अर्नी साहब हमारे साथ मौजूद हैं चर्चा के लिए। इससे पहले जिस तरह से आतंकी गतिविधियों से भारत बहुत परेशान हाल था, और एक सुरक्षा व्यवस्था की कानून आपने देखा 26/11 का मामला हो चाहे कई इस तरह की घटनाएं हों, और अब वही पाकिस्तान जो पनाह देता था आतंकियों को वहीं उनकी हत्या हो रही है, क्या वजह मानते हैं आप? देखिए भेड़िया जब आदमखोर हो जाता है तो अपने और पराये के बीच का फर्क खासकर उन आतंकियों की तरह से पाकिस्तान ने आतंकवाद को पनाह दी, आतंकवाद को शह दी और आतंकवादियों को मुंह लगाया। उससे उसका मकसद राजनीतिक हल होना था जिसमें भारतवर्ष को कई बार उसका निशाना बनना पड़ा, लेकिन उसको ये तभी समझ लेना चाहिए था कि जब इनको इस हद तक आतंकवाद की छूट दी जाएगी तो एक न एक दिन ये अपने घर को भी बर्बाद करने लगेंगे। और ये पहला वाक्या नहीं है, आतंकवाद की कई बड़ी घटनाएं पाकिस्तान के अंदर हुई हैं। मस्जिद के अंदर जुमे के बाद में आतंकवादी घटना में बहुत से नमाजी मारे गए हैं, वहाँ के राजनेताओं आतंकवाद में जाने गए हैं। हाँ, अब आतंकवाद के सफाई का अभियान अगर खुद पाकिस्तान में शुरू हो गया है तो हम समझ सकते हैं कि देर से ही सही पाकिस्तान ने आतंकवादियों को निशाना बनाने का की जो शुरुआत की है, ये मैं समझता हूँ कि खुद पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा। और जिन देशों को पाकिस्तान जनित आतंकवाद से खतरा लगातार बना रहा उनका खतरा कुछ कम होगा, लेकिन ये हाफिज सईद का एक दाहिना हाथ मात्र था। अभी देखना ये है कि हाफिज सईद पर क्या पाकिस्तान सरकार इस तरह का कोई कदम उठा पाती है, या अभी हाफिज सईद कुछ नए गुर्गों के साथ नए आतंकवाद की कहानियां लिखने में संलग्न है। बिल्कुल, हाफिज सईद तक अभी पहुंच नहीं है, चाहे पाकिस्तानी सेना हो, पाकिस्तान की पुलिस हो या पाकिस्तान की सरकार हो, लेकिन संरक्षण दिए जाने की बात कही जाती है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है वो हाफिज सईद को भी सुरक्षित रखे हुए है। लेकिन एक इसके दाहिने हाथ की बात आप कर रहे हैं हजला अदनान की, जिसकी हत्या हुई है और पूरे सेफ उस पर, क्या ये माना जाए कि जो हाफिज सईद का ये राइट हैंड था, क्योंकि आतंक की दुनिया में कोई राइट हैंड लेफ्ट हैंड नहीं होता, जब तक रिश्ता चलता है नहीं तो
अपने ही आपस के ही प्रतिद्वंदिता में वो मारकाट शुरू हो जाती है, कहीं उसका नतीजा तो नहीं है ये हाफिज़ अदनान की हत्या? देखिए, आपका जो अंदेशा है बिल्कुल ठीक है कि हाफिज़ सईद के बाद कौन, और हज़रत अदनान ने अगर कहीं ये सोचा हो कि हाफिज़ सईद के बाद अब मैं, चूँकि उसका नाम बहुत बार निशाने पर आ चुका था, तो ये गैंगवार में भी जिस तरह होता है, आतंकवाद की भी कहानी उससे कुछ अलग नहीं है कि सबको सुप्रीमो बनने का एक सपना होता है। लेकिन वजह जो भी हो, ये आंतरिक मामला हो, एक आतंकवादी संगठन चलाने वालों का, हाफिज़ सईद का अंदरूनी मामला हो, या फिर पाकिस्तानी सरकार ने अब ये समझ लिया होगा कि 2008 के बाद से जिस तरह आतंकवाद पे भारत ने लगाम कसी है और किसी तरह की कोई एक बड़ी आतंकवादी घटना अंजाम नहीं दे पाई, जबकि उससे पहले की कई घटनाएं, चाहे समझौता एक्सप्रेस की बात हो, चाहे मक्का मस्जिद बम ब्लास्ट की बात हो, या अजमेर शरीफ की बात हो, कई ऐसी घटनाएं पैदल पे सामने आ रही थी, मुंबई के अंदर लोकल ट्रेन बम ब्लास्ट की घटना थी, तो ये सारी घटनाएं एक तरह से नई सरकार के आने के बाद उन सब पर अंकुश लगा है, इस बात को समझा है पाकिस्तान की सरकार ने भी, और उसने अगर आतंकवाद के दमन की नीति को अपनाया है तो मैं ये कहूँगा कि कम से कम इस मामले में पाकिस्तान ने वक्त के नज़ाकत को देखते हुए उचित कदम उठाया है। अब जिस तरह से इकोनॉमी, एक आर्थिक स्थिति जो तबाह से तबाह है, एक तरह से कह लीजिए पाकिस्तान और दूसरे देशों की अगर निगाह करके बैठा हुआ था, क्या वजह मानी जाए कि जो एक बड़ा बजट का उसका एक बड़ा खर्चा जो है ISI और दूसरे जो उसके आतंकी संगठन, ISI तो उसकी सरकारी खुफिया एजेंसी है, लेकिन जो दूसरे संगठन थे जिसके जरिए वो आतंकवाद का बीजारोपण करता रहा है भारत के अंदर या दूसरे दुनिया के दूसरे देशों के अंदर भी, और आपने देखा होगा कि कई आतंकियों को पनाह देने का एक शेल्टर कह लीजिए पाकिस्तान में बन गया था। अब चूँकि पाकिस्तान खुद ही अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर के थोड़ा जिस हालात से गुजर रहा है, ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है, तो वो या तो उनकी जो एक डिमांड कह लीजिए, चाहे जो उनको वो हर महीने हर हफ्ते जो देते थे उनको रसद पानी से लेकर के हथियार बारूद तक, वो मुहैया नहीं करा पा रहे, इसलिए वापस आपस में लड़ रहे हैं, या जो हाल में आपने चर्चा के शुरुआत में ही बताया था कि पाकिस्तान के अंदर जो घटनाएं शुरू हो गई, पहले पाकिस्तान में आतंकी घटनाएं नहीं होती थी, खास करके मस्जिद के अंदर तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था, तो हाल में जो ये दर्जन भर की लगभग घटनाएं हुई हैं जिसमें लोग हताहत भी हुए हैं, उनकी मौत भी हुई है, तो इन घटनाओं से कहीं पाकिस्तान तो खुद को आग से, चूँकि जब आप दूसरे के उसके घर में आग लगाते हैं और आपके घर पर जब उसकी आँच आती है तो आप फिर उसकी बचाव में लग जाते हैं, तो क्या समझा जाए कि पाकिस्तान ने वो जो रसद पानी हथियार या जो सुविधाएं मुहैया करा रहा था इन आतंकी संगठनों को वो बंद कर दिया था, इस वजह से ऐसी घटनाएं हो रही हैं, या पाकिस्तान के खिलाफ इनकी जो कार्रवाई हो रही थी पाकिस्तानी आवाम के खिलाफ कह लीजिए, इस वजह से इनकी हत्याएं चुन चुन करके की जा रही, क्योंकि अभी जो रिकॉर्ड बता रहा है कि पिछले 3 महीने में 6 से ज़्यादा आतंकी मारे गए, और एक बड़े आतंकी जिसका नाम आपने देखा होगा दुनिया भर में है, हज़ला अदनान, जो हाफिज़ सईद का राइट हैंड माना जाता है, उसकी हत्या होती है एकदम सेफ गार्ड के मतलब, तो ये किसकी साजिश, या पाकिस्तान, जो मैंने सवाल किया आपसे कि आप क्या समझते हैं इस पूरे मामले के पीछे, पाकिस्तान के हालात या पाकिस्तान खुद से जब इनके उसके शिकार बनने लगा आतंकी घटनाओं का, इस वजह से ऐसी घटनाएं होने लगी, आतंकी मारे जाने लगे पाकिस्तान के अंदर? इनको काफ़ी दूर तक देखना होगा। ISI को पाकिस्तान की सरकार तो रसद मुहैया कराती थी, सारी सुविधाएं देती थी, लेकिन ये केवल ISI को मिलने वाली सुविधाएं पाकिस्तान तक सीमित नहीं थी। अगर दाऊद गिलानी का नाम आपको याद हो, जो पाकिस्तान नेशनल था, बाद में वो अमेरिका की जेल में रहा, वो फिर वहाँ से अपनी सजा काट कर या उसको सजा बीच में रोक कर उसे वापस हिंदुस्तान के 26/11 में इन्वॉल्व किया गया, ये घटना किसी से छुपी नहीं है कि कहीं ना कहीं अमेरिका ने भी उसके अंदर अपना एक रोल निभाया था जिसने दाऊद गिलानी को पनाह दी थी। इसी तरह तहूर हसन राणा जो पाकिस्तान नेशनल था और कनाडा में उसने रहना शुरू किया, 26/11 में उसका भी नाम आया, बदकिस्मती से ये दोनों आतंकवादी यहाँ से भागने में कामयाब हो गए, भारत से भागने में कामयाब हो गए। तो ISI को जितना रसद पानी मिल रहा है ये सिर्फ पाकिस्तान से मिल रहा है या कहीं नहीं दूसरे देश भी इसके अंदर शामिल हैं, और जो आतंकवादी घटनाएं हो रही थी
उनमें अब लगता है कि आतंकवाद के लिए स्पेस बहुत ज़्यादा बचा नहीं है, इसलिए पूरी दुनिया ने ये समझ लिया है कि सभी बड़े देश सतर्क हैं, आतंकवाद के खिलाफ कमर कस के खड़े हुए हैं। खासतौर से भारतवर्ष की अगर बात करें तो 2008 के बाद से, जैसे कि मैंने कहा भी था कि आतंकवादी घटनाओं पर बड़ा अंकुश लगा है। पुलवामा की घटना ज़रूर सामने आई थी जिसकी आपने चर्चा की, ये लेकिन जो बड़े आतंकवादी हमले हो रहे थे जिनका मैंने अभी आपको जिक्र किया, उधमपुर की घटना ज़रूर जम्मू में हुई थी, लेकिन बड़े आतंकवादी हमले मुंबई में, दिल्ली में, अजमेर में, हैदराबाद में जो हुए थे, अब वो कहीं ना कहीं उन पर अंकुश है। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लिए भी अभी आतंकवादी संगठन सिवाय एक खर्चीला माध्यम बनकर रह गए हैं, जिनको पालने के लिए अपनी इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा बोझ डालने की वजह बन रही है, तो कहीं ना कहीं वो खुद भी अंदरूनी तौर पर अब इनसे त्रस्त होगा। अब जैसे अभी पिछले दिनों की बात करें, शाहिद लतीफ जो मोस्ट वांटेड था उसकी भी हत्या वहाँ हुई, एजाज अहमद की हत्या हुई, तो ये कई आपने देखा हो, खालिस्तानी आतंकवादी परमजीत सिंह वो भी पाकिस्तान में मारा गया, तो ये पाकिस्तान जिसको लोग सुरक्षित अपना ये कह लीजिए कि एक पनाहगाह मानते थे, जहाँ शेल्टर उनको मिलता था, वहाँ अब आतंकी सुरक्षित नहीं है, क्या माना जाए इस तरह की जो घटनाएं हुई हैं सुरक्षित नहीं है। और आपने पुलवामा घटना की चर्चा की, भारतीय एजेंसियाँ लगातार जाँच कर रही हैं, इन्हीं संगठनों का या इन्हीं लोगों का उसमें हाथ होगा, ये अभी तक जाँच एजेंसियाँ उसकी पुष्टि नहीं कर पाई हैं। लेकिन क्या समझा जाए कि ऐन चुनाव के वक्त जो हमला हुआ पुलवामा में CRPF के जवानों के उस पर, और एक बड़ी घटना हुई, दर्जन भर से ज़्यादा कह लीजिए हमारे जवान जो है वो शहीद हुए उस घटना में, और 5 साल के लगभग होने जा रहा है अब, उस 5 साल के दौरान आपने उसका पता नहीं खोजा, 5 साल पूरे हो गए लगभग उसके, और 5 साल में हम नहीं उस आतंकी संगठन या जिसकी भी साजिश या हाथ हो नहीं पहुंच पाए, एक बड़ी वजह ये है। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर जिसको सुरक्षित और एकदम सबसे आरामदायक शेल्टर मानते थे, दाऊद इब्राहिम वर्षों तक भारत का जो वांटेड अपराधी माना जाता था वो वहाँ वर्षों तक रहा, और अभी भी वहीं कराची में होने की बात कही जाती है, लेकिन आज पाकिस्तान में जो भी अपराध से नाता रखने वाले हैं, आतंकवाद से नाता रखने वाले हैं, वो सुरक्षित नहीं है, क्योंकि आधा दर्जन से ज़्यादा जो दुनिया में मशहूर, दुनिया में कुख्यात कह लीजिए जो आतंकी थे, उनकी हत्या होनी शुरू हो गई है, और पाकिस्तान में भी आतंकी घटनाओं की शुरुआत हो गई जिसमें आम आवाम मारे जा रहे हैं। ऐसे में क्या समझा जाए कि जिस तरह से बाकी दुनिया, पूरा वैश्विक समुदाय जिस तरह से शांति चाहता है, क्या पाकिस्तान उस ओर कदम बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, मुख्य धारा में आने की कोशिश कर रहा है, या अपनी हालात जो उसके देश में हो रहा अंदरूनी जो स्थितियाँ हैं उससे निपटने की गरज से इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहा है। मधुशी जी, आपने देखा होगा पिछले दिनों की घटना है कि कनाडा के अंदर भी जो आतंकवाद से संबंधित लोग मारे गए हैं, तो कहीं ना कहीं आतंकवाद के विरोध में एक आंदोलन सा उठ खड़ा हुआ है, जिसमें कनाडा के अंदर भी आतंकवादी की घटनाओं को अंजाम देने वाले की हत्या हुई, और पाकिस्तान के अंदर भी जो अदनान की हम चर्चा कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं अब ये सरकारें भी और जनमानस पे भी इस बात का बड़ा प्रभाव है कि आतंकवाद किसी समस्या का हल नहीं हो सकता, और आतंकवाद के सफाई में जनमानस को भी और सरकारों को भी उठ खड़े होना चाहिए। तो ये घटना मुझे लगता है कि आतंकवाद से निपटने के लिए और खुद से एक समय था जब पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करने की मांग बड़े जोर शोर से उठ रही थी, तो पाकिस्तान ने कहीं ये भी सोचा होगा कि आज चाहे हमास को बात करें तो उसको आतंकी संगठन कहकर ही इसराइल के खिलाफ लड़ाई शुरू हुई थी, तो आतंकवाद के खिलाफ जो पूरी दुनिया में एक मुहिम है उसमें पाकिस्तान नहीं चाहता होगा कि आतंकवाद के रूप में उसका नाम जुड़े और उसको कुछ मामलों में पूरी दुनिया के अंदर बदनाम होना पड़े। तो मैं कहूँगा कि इस घटना से यही समझ में आता है कि संरक्षण प्रदान करना पाकिस्तान ने बंद किया है और ठीक किया है। मतलब सेंटर अब वहाँ आतंकवादियों को नहीं मिलेगा, आतंकी संगठन के लोगों को नहीं मिलेगा, ये पाकिस्तान धीरे धीरे संकेत दे रहा है। हालांकि ये पुष्ट नहीं हो सका है कि हजला अदनान या फारूक
की हत्या कह लीजिए या याज अहमद की हत्या या जो जो भी आतंकी वहाँ मारे गए हैं, इन तमाम लोगों की हत्या, जो आतंकियों की जो हत्या है वो पाकिस्तान सरकार के इशारे पर हुई है या जो आपसी जो इनकी रंजिश होती है, गैंगवार होता है आपस में, या वर्चस्व की लड़ाई को लेकर के, या फिर हीरो बनने को, जो उसके किंग होते हैं उसको लेकर के, रिंग मास्टर बनने को लेकर के, या प्रमुख होने को लेकर के, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे लगातार इससे पहले, क्या समझा जाए कि अगर पाकिस्तान सरकार सीधे तौर पर इनके खिलाफ ये कार्रवाई कर रही है या फिर सीधे तौर पर ये मान लिया जाए कि गैंगवार का ही एक नतीजा है? ये गैंगवार हो या पाकिस्तानी सरकार का जानबूझ के उठाया गया कदम, आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी के रूप में मैं इसको देख रहा हूँ। अगर ये कहीं ना कहीं गैंगवार का भी अंजाम है, तो मुंबई अगर आपको याद हो तो एक वक्त में गैंगवार का निशाना बन गया था। अगर ये गैंगवार एक दूसरे आतंकवादी को खुद से ख़त्म कर दें, कि अदनान को ख़त्म किया अगर हाफिज़ सईद के और ज़्यादा चाहने वालों ने, और अगर अदनान के कुछ चाहने वाले भी बाकी हैं, अगर वो भी गैंगस्टर बनना चाहता था, एक बड़ा आतंकवादी गुर्गा बनना चाहता था, तो उसके कुछ लोग अगर हाफिज़ सईद के कुछ और आतंकियों को ढेर करते हैं, तो मैं कहूँगा कि आतंकवादी अगर आपस में लड़कर एक दूसरे को हताहत कर रहे हैं, एक दूसरे की जान ले रहे हैं, तो इससे भी आतंकवाद कमज़ोर होगा। और अगर पाकिस्तान सरकार ने सुनियोजित रूप में ये घटना को अंजाम दिया है, और इसमें कहीं ना कहीं हाफिज़ सईद का कंसेंट हासिल है, या हाफिज़ सईद के कंसेंट के बना भी पाकिस्तानी सरकार ने आतंकवाद के दमन की नीति को अपनाया है, तो मैं कहूँगा कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसे देश की दमनकारी नीति उचित ही है जिसको आतंकवाद का समर्थक माना जाता था। तो ये जो जिस तरह की स्थितियाँ आपने पाकिस्तान में देखी, और जो गैंगवार की बात कर रहे हैं, आपस में आपसी रंजिश में मारे जाने की बात कर रहे हैं, ये प्रयोग होता रहा है कई देशों में जो आपराधिक संगठन होते हैं उनके बीच में, और इसमें पुलिस की भी भूमिका होती है। आपने देखा होगा कि भारत में जो रेड कॉरिडोर हैदराबाद से लेकर के नेपाल तक, मतलब उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, और उसके बाद वो सीधे नेपाल तक की वो रेड कॉरिडोर जो है, नक्सल पट्टी जो कहते हैं जिसको, और नक्सलवाद की घटनाओं में कमी आई, नक्सलियों में कमी आई, पुलिस से ज़्यादा भूमिका अलग अलग संगठन बन गए, PLFI, तो MCC, PFI, मतलब कई तरह की घटनाएं, जो PFI तो अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन है, लेकिन कई संगठन बने, TPC, JPC और आतंकी वो नक्सली संगठनों के बीच से ही। आपने अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर आपने देखा होगा कि जैसे मोहम्मद या हाफिज़ सईद का जो संगठन है लश्करे तैयबा, इससे कई संगठन आए और कई संगठनों की गतिविधियाँ स्वतः ख़त्म हो गई कि उसका कोई भी आतंकी बचा नहीं, या तो आपसी जो गैंगवार है, आपसी जो उनकी रंजिशें थी उसमें वो मारे गए, उनका संगठन बंद हो गया, और दूसरे जो बचे दूसरे जगह शेल्टर ले लिए, नहीं तो कहीं और जा करके पनाह ले लिए। अभी मौजूदा जो हमारी स्थिति है घाटी में, मतलब जम्मू कश्मीर के सीधी तौर पर बात कर लें, लद्दाख की बात कर लें, तो घटनाओं में कमी जरूर आई है, लेकिन चौकसी पहले से ज़्यादा बढ़ाई गई है, इन घटनाओं का घाटी में क्या असर हो सकता है? निश्चित ही इसका एक पॉजिटिव असर होगा, सकारात्मक असर होगा। जहां आपने अन्य आतंकी संगठनों का नाम लिया, वहीं 2008 के बाद में जो बटला हाउस कांड था उसके अंदर इंडियन मुजाहिदीन का नाम भी सामने आया था, तो भारतीय सरकार की जो सतर्कता है और जिस तरह उसने चौकसी बढ़ाई है, मुझे पुनः ये कहने की ज़रूरत पेश आ रही है कि आतंकवाद से निपटने में कहीं ना कहीं हाल के दिनों में जो भारत सरकार की एक कड़ी नीति रही है वो बहुत मजबूत है, बेहतर है, और इसके लिए हम समझते हैं कि प्रशंसा की जानी चाहिए भारत सरकार। बिल्कुल प्रशंसा कर की जानी चाहिए। जब से एक धारा 370 हटने के बाद, और वहाँ जो अभी कानून का राज एक तरह से कह लीजिए, पहले भी कानून का राज था, लेकिन आतंकी गतिविधियों में काफ़ी बढ़ोतरी देखी जा रही थी। हर रोज़ कहीं ना कहीं आम आदमी हो, मस्जिद में हमला हो, या सेना पर हमला हो, ये तमाम तरह की गतिविधियाँ, अर्धसैनिकों बल पर हमला हो, ये तमाम तरह की गतिविधियाँ देखी जा रही थी, लगातार देखी जा रही थी। लेकिन हाल के दिनों में जब से वहाँ एक गवर्नेंस आया है, कह लीजिए वो परिवर्तन जो आया है, आतंकवाद की घटनाएँ कम हुई हैं, एकदम से ख़त्म तो नहीं मान सकते, लेकिन घाटी के लोग
सुकून और राहत की सांस ले रहे हैं, जो चाहे वो कश्मीर में रह रहे हों, चाहे जम्मू के इलाके में रह रहे हों, जो दो संभागों में बटा हुआ है जम्मू कश्मीर, और लेह लद्दाख अब एक अलग अपने अस्तित्व में आ गया है, वहाँ भी इन घटनाओं का कोई असर अब नहीं देखा जा रहा है। और जिस तरह से पाकिस्तान खुद ही अब आतंकवाद और आतंकियों के खिलाफ खड़ा हो चुका है, और पाकिस्तान जिसको शेल्टर और पनाहगाह माना जाता था, सबसे सुरक्षित पनाह माना जाता था, वो खुद वहाँ अब सुरक्षित नहीं है, आतंकी कई घटनाएं सामने आ गई हैं। तो उम्मीद ये की जानी चाहिए कि आतंकवाद की जड़ को जड़ से बढ़ा करके कह लीजिए कि एक वृक्ष का आकार देने वाला पाकिस्तान, जब खुद इसके खिलाफ चलने वाली मुहिम में वैश्विक समुदाय के साथ खड़ा होने की कोशिश पूरी तौर पर मैं अभी भी नहीं कह सकता कि वो खड़ा हो चुका, कोशिश कर रहा है, तो एक शुभ संकेत माना जाना चाहिए। आज की चर्चा में बस इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।